करना है पेटीएम वॉलेट, तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप जैसे ही इसे ओपन कर लेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था ताकि मुझे वीडियो बनाते समय ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए यहाँ पे मुझे अनइंस्टॉल ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो इसके रेटिंग पॉइंट है वो है 4.4, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, 50 मिलियन से इसके डाउनलोड्स हैं। तो इसे आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप बाहर से एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का, ये एप्लीकेशन कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन पूरा इस तरह का दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। आपको सबसे पहले नीचे ऑप्शन मिल जाता है होम का, ये हमारा होम पेज ही है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है माल, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेटीएम के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक जैसे साड़ियाँ घड़ियाँ, यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आप ऊपर सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं अपना कोई भी आइटम और यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन मस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोफाइल। तो दोस्तों आप जैसे ही इस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए हेलो लॉगिन टू पेटीएम, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे सिंपली अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है अकाउंट तो साइन अप करना है, तो दोस्तों आपको राइट साइड में एक साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं कॉर्नर में, आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे साइन अप कर दीजिए। साइन अप करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके आप देख लीजिए, मैं आपको डमी नंबर डाल के दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे कोई अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे एक डमी सा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। और यहाँ पे इस तरह का कोई ईमेल एड्रेस अपना डाल दीजिए, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, और अपना स्ट्रॉन्ग सा एक पासवर्ड डाल दीजिए। और यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, और आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों इसी नंबर पे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उस पासवर्ड से आप साइन इन हो जाएंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और अपना पेटीएम अकाउंट चला सकते हैं। दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसे मैं हटा देता हूँ। दोस्तों आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है बहुत ही सिंपल, आपको यहाँ पे कोई भी इतनी इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फेसबुक पे क्लिक करके, आज के टाइम में दोस्तों हर एक इंसान के पास अपना फेसबुक अकाउंट है, आप फेसबुक अकाउंट पे क्लिक करते ही जुड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है गूगल प्लस, अगर आपका जीमेल पे अकाउंट है तो आप डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे जीमेल पे जी प्लस पे क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको फेसबुक से साइन अप करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक कर दिया और ये साइन इन हो गया। दोस्तों मेरा पहले से यहाँ पे अकाउंट है इसलिए मेरा इसने उठा लिया और मेरा यहाँ पे साइन इन हो गया। आप भी ऐसे ही क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा, आपकी फेसबुक लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा अलो कर दीजिए, और आपका जो साइन अप हो जाएगा, साइन इन हो जाएंगे आप। और उसके बाद आपको एक सिंपल सा पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर इसलिए दोस्तों आपको उसके ऊपर आपका OTP आएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा, ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए और सिंपली आप ऐसे ही साइन इन हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं साइन इन हो गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हेलो लॉगिन टू पेटीएम आ रहा था, अभी मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पे फोटो आ रहा है मेरा, और यहाँ पे नीचे देखिए साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए आप सबसे बॉटम में नीचे देखिए, इसका मतलब मैं लॉग इन हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लॉग इन हो चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं माई ऑर्डर, ये सारा यहाँ पे नीचे तक लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप वही भाषा अपनी सेलेक्ट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे राइट साइड पे एक कॉर्नर में एक बार कोड सा है, QR कोड है, ये हर एक अकाउंट का बनता है। अगर आप भी अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपका भी ये बार कोड सा QR कोड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे स्कैन पेटीएम कोड टू मेक पेमेंट टू तनुज शर्मा, मतलब कि ये मेरा QR कोड है, क्यूक रिस्पॉन्स इसे कहते हैं, QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्यूक रिस्पॉन्स। जैसे ही कोई मुझे पेमेंट करना चाहे वो अपना स्कैनर ओपन करके, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे होता है, इसके ऊपर स्कैन करेगा, अगर मुझे पेमेंट देना है उसे तो वो पेमेंट मेरे अकाउंट में चुटकियों में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। हम वापस आएंगे होम पे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर एक ब्लू पट्टी सी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेटीएम वॉलेट इज हेयर। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है
पे का, हम इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, मैं आज आपको दिखा देता हूँ। हम जैसे ही पे पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए स्कैन कोड, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले QR कोड दिखाया था, अगर मुझे किसी को पेमेंट देना है तो दोस्तों मैं उसका स्कैन कोड लूँगा, अपने ऐसे आगे रखूँगा और मैं उसे स्कैन करूँगा, जितना अमाउंट मुझे डालना है एक सेकेंड में उसे चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए उस बंदे का, यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए और यहाँ से सेंड कर दीजिए सिंपली, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पैसे भेजने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप भेज सकते हैं। और यहाँ पे आपको पैसे ऐड कैसे करने हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपको आ जाता है ऐड मनी, तो आप ऐड मनी पे क्लिक कर दीजिए। आपको मान लीजिए आज कुछ पैसे ऐड करने हैं, चलिए मैं आज करके दिखाता हूँ आपको, 20 रुपीज ऐड करते हैं। चलिए ऐड कर दिए हमने 20 रुपीज, और दोस्तों यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो है 5000, जो नॉर्मल अकाउंट रहता है उसकी लिमिट 5000 रहती है, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं एक अपग्रेड यूजर्स लिमिट, यू हैव यूज्ड 0 to 20,000 पर मंथ वॉलेट यूजर्स। अगर आपको अपनी यूजर्स बढ़ानी है 5000 से ऊपर करनी है तो आप अपग्रेड कर दीजिए, अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, और आपकी जो यूजर्स 5000 से 20000 हो जाएगी, आप 20000 तक ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये पहले 20 रुपये की ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ। ऐड मनी में आप देख सकते हैं ऊपर मेरा बैलेंस जो है वो 0 है, तो मैं 20 रुपये ऐड करूँगा, फिर उसका रिचार्ज करके दिखाऊंगा आपको। चलिए ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड पे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों हम डायरेक्ट आ गए हैं पेमेंट मोड पे। यहाँ पे हमें क्या करना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेरा कार्ड है जो पहले से यहाँ पे मेंशन हो रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 4529, फिर आगे क्रॉस 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 क्रॉस, देखिए यहाँ पे SBI वीज़ा कार्ड है ये मेरा। मुझे अब इसमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली आप देखिए आपके फ्रंट के जो कार्ड के नंबर होते हैं ना वो आपको ऐड करने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करने हैं। फिर आपको लास्ट में CVV पीछे रिवर्स में लिखा होता है कार्ड के, वो नंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो आपको अपना कार्ड ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे नीचे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या नेट बैंकिंग या ATM कार्ड से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए और अपने जो फ्रंट का दोस्तों देखिए फ्रंट में आपके ये नंबर्स हैं, आपको यहाँ पे ये नंबर डाल देने हैं जितने भी नंबर हैं, और यहाँ पे इसका जो भी मंथ है, जो भी एक्सपायरी ईयर है, और रिवर्स करके आपको बैक साइड पे जो भी इसका 3 अक्षरों का डिजिट का CVV नंबर है वो डाल देना है, और यहाँ पे पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ये देखिए टिक हो रखा है सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कार्ड यहाँ पे सेव हो जाए तो आप यहाँ पे टिक रहने दीजिए, नहीं तो आप हटा दीजिए अगर आप नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों वापस आते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कैंसिल करना ही पड़ना था क्योंकि मैंने अभी कार्ड डाला था। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, मैं फिर से वही 20 रुपीज अब आपको अपने ही कार्ड से करके दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 बैलेंस है, तो चलते हैं यहाँ पे और मैं अपने कार्ड से यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। मुझे अपना CVV डालना है तो मैं CVV यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब जो डायरेक्ट मुझे बोल रहा है प्लीज वेट, प्रोसेसिंग चल रही है, और मुझे एक OTP आएगा मेरी बैंक की तरफ से। दोस्तों वो हर एक इंसान का जिसका बैंक अकाउंट है उसके अकाउंट के साथ एक नंबर बैंक में दिया होता है, सभी ने अपना मोबाइल नंबर, उसी नंबर पे अपना OTP आएगा। वो OTP वाइड फॉल्ट इसने स्कैन कर लिया है क्योंकि ये वन टाइम आता है, ये दोबारा यही OTP नहीं चलेगा, एक बार ही चलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों, देखिए मेरा जो रिचार्ज जो एड मनी है वो हो गया है, अभी आप देख लीजिए मेरा 0 बैलेंस था, 0 बैलेंस था, यहाँ पे सक्सेस हो गया, मेरे अकाउंट में 20 रुपीज आ गए हैं बिल्कुल। हम वापस चलते हैं दोस्तों, अभी फिर से ऐड मनी पे क्लिक करके देख लेते हैं मेरे अकाउंट में कितना है, 20 रुपये आ गए। देखिए आप ऊपर देखिए, अगर आप यहाँ से नहीं है तो आप प्रोफाइल में जाके भी देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नाम के नीचे मेरा पेटीएम बैलेंस 20 रुपीज हो गया है दोस्तों। तो मोबाइल रिचार्ज आपको कैसे करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड, मोबाइल पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, मेट्रो, यहाँ पे नीचे आप आइए और आपको दिख जाएगा मूवी, बस, फ्लाइट, ट्रेन टिकट आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में इस समय 20 रुपीज ही है। मैं आपको एक डेमो करके दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एक रिचार्ज कर सकते हैं, आप जितने भी आपके हिसाब से, अगर आपने कोई मूवी टिकट करना है तो अपने अकाउंट में उतने ऐड मनी में पैसे डाल लीजिए और अपनी मूवी कर लीजिए, बस टिकट ले लीजिए, ट्रेन टिकट, प्लेन टिकट,
आपके वॉलेट पे डिपेंड करता है आपके अकाउंट में कितने बैलेंस पड़ा है और उसी हिसाब से आप अपनी परचेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक रिचार्ज करके दिखाने वाला हूँ, मैं प्रीपेड अकाउंट नंबर पे एक रिचार्ज करने वाला हूँ। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पंच कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पंच करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे मुझे सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि मुझे अपना ऑपरेटर सेट करना है। यहाँ पे आपका कोई भी हो सकता है, एयरटेल, VSNL, MTNL। तो मैं यहाँ पे वोडाफोन सेलेक्ट कर देता हूँ और अपना एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ पंजाब। पंजाब पे मैंने जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना है, जैसे कि मेरे अकाउंट में 20 रुपीज़ ही है, मैं 20 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ। और नीचे मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फास्ट फॉरवर्ड। फास्ट फॉरवर्ड मतलब कि अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप इसे टिक मत कीजिए। यहाँ पे देखिए टिक हो गया, आप इसे टिक मत कीजिए। आप कूपन ऐड करेगा, आगे आपको पूछा जाएगा कूपन के बारे में। अगर आपके पास कूपन नहीं है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, डायरेक्ट रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा एक दो सेकंड में। तो लीजिए ऊपर एक मैसेज आया है मुझे और मुझे यहाँ पे रेटिंग्स पूछी जा रही हैं, कितनी रेटिंग दोगे आप पेटीएम को। तो मैं यहाँ पे चलिए दे देता हूँ, यार याद रखोगे आप 10 दे देता हूँ। और तो ये ऐसे आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही इजीली पेटीएम से, और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक जरूर कीजिए वीडियो को दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।